नमस्कार, हिंदू ज्वाला टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूँ कृष्णा यादव। बरडी स्थित विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन में संतोष पांडे बादल द्वारा लिखित दर्द भरा प्यासा बादल कविता संग्रह एवं अत्र कुशलम तथास्तु व्यंग निबंध पुस्तक का लोकार्पण समारोह विशिष्ट मान्यवर की उपस्थिति में सम्पन्न हुआ। उप राजधानी नागपुर के सीताबर्डी स्थित विदर्भ हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभागृह में आयोजित संतोष पांडे द्वारा रचित दोनों पुस्तकों के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता उप कुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा ने की। इस अवसर पर चिराग सांस्कृतिक संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला द्वारा शाल एवं श्रीफल प्रदान कर उनका स्वागत व सम्मान किया गया। पुस्तक लोकार्पण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने, विशेष अतिथि कवि एवं साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला व हिंदी विभाग के अध्यक्ष मनोज पांडे प्रमुख रूप से उपस्थित थे। पुस्तक लोकार्पण समारोह का शुभारंभ विशिष्ट मान्यवरों द्वारा सरस्वती देवी की प्रतिमा को माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस अवसर पर उपस्थित सभी विशिष्ट मान्यवरों का स्वागत एवं सम्मान भी किया गया। संतोष पांडे बादल द्वारा रचित पुस्तक दर्द भरा प्यासा बादल कविता संग्रह एवं अत्र कुशलम तथास्तु व्यंग निबंध इन दोनों पुस्तकों का विमोचन पुलिस उपायुक्त गजानन राजमाने, उपकुलपति डॉक्टर वेद प्रकाश मिश्रा, कवि व साहित्यकार डॉक्टर सागर खादीवाला, प्राध्यापक मनोज पांडे वो साहित्यकार अविनाश पागड़े के हाथों पुस्तक का विमोचन किया गया। इस अवसर पर स्नेहा पांडे, चिराग संस्था के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, साहित्यकार नरेंद्र परिहार, साहित्यकार रामकृष्ण सहस्रबुद्धे, साहित्यकार जयप्रकाश सूर्यवंशी, हेमंत पांडे सहित सभी इष्टगण एवं मित्रगण उपस्थित थे। पुस्तक लोकार्पण समारोह का मंच संचालन अविनाश पागड़े एवं आभार प्रदर्शन कवि एवं साहित्यकार अनिल मालोकर ने किया। ज्ञात हो कि साहित्यकार संतोष पांडे बादल ने विगत वर्षों में 14 पुस्तकों की रचना की है, जो कि पूर्व में प्रकाशित भी हो चुकी है, जिसके लिए उन्हें विभिन्न संस्थाओं द्वारा कई पुरस्कारों से भी नवाजा जा चुका है, जिसमें पुस्तक धरती करे पुकार के लिए भारत सरकार द्वारा मेदिनी पुरस्कार, पुस्तक हस्ते फूल के लिए महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार सहित इत्यादि अनेकों पुरस्कारों से सम्मानित हुए हैं। वर्तमान में संतोष पांडे बादल पुलिस विभाग में बतौर सहायक उप निरीक्षक के पद पर कार्यरत है। पुलिस विभाग में बखूबी अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उन्होंने अब तक 16 पुस्तकों की रचना भी की है, जो कि अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। सर, ये बताइए, अभी तक आपकी कितनी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है? अभी तक 14 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी थी, ये 15 और 16 टोटल 16 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी है। आपको लिखने की प्रेरणा कैसे मिली? लिखने की प्रेरणा मैं जब पढ़ाई कॉलेज के समय से ही मैं लिख रहा हूँ, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा मुझे मिली महादेव वर्मा जी से, और मेरा जो बादल नाम है तखल्लुस वो भी महादेव वर्मा जी के द्वारा दिया हुआ है। और उस समय से मैं 1981 में उनसे मुलाकात हुई थी, तब से लगातार लिखन चालू है। आने वाली और पुस्तकें कौन कौन सी विचाराधीन? आने वाली पुस्तकों में गजल संग्रह है, कुछ अपनी कुछ जग की 4 वॉल्यूम में, और एक उपन्यास है, और उसके बाद व्यंग संग्रह ऋणम कृत्वा कृतम पिबेत, चेष्टा, नदी किनारे के पल, ये 2 कविता संग्रह है। और सबसे बड़ी बात जो मेरे लिए एक महत्वपूर्ण और एक मैं समझता हूँ कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात होगी, मराठी कविता का संग्रह मेरे द्वारा लिखित, और वो भी हमारे बागड़े जी के प्रकाशन से ही प्रकाशित होगा। ये हमारी बात पहले ही हो चुकी है, और इन लोगों की प्रेरणा से ही मैं वो लिख रहा हूँ, लगभग तैयार है वो किताब। आप पुलिस खाते में, तो फिर आप कैसे समय निकाल लेते हैं लिखन का? देखिए, आदमी अगर ये सोचे कि मुझे कोई काम करने के लिए समय मिले तब मैं करूँगा, तो शायद असंभव है। आप जितने व्यस्त रहते हैं उस व्यस्तता में ही आपको समय निकालना है, आपके हर काम उसमें करना है। आपने खाना खाने का समय निकालना है, आप सोचने का समय निकालते हो, आप अपने दिनचर्या का समय निकालते हो, इसलिए आप जो समय है उसी समय से आपका हर काम करना है। और मुझे किसी विशेष समय की कि मुझे समय मिलेगा तो मैं लिखूंगा, ऐसा नहीं है। आगे की क्या योजना है लेखन कार्य में? सतत लेखन शुरू है, और सेवानिवृत्ति के बाद में और भी समय से अच्छी किताबें और भी लिखूंगा, और कुछ चीज़ें हैं जो भी मैं नहीं लिख पाया वो सेवानिवृत्ति के बाद भी जरूर लिखूंगा।